हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। भालू ने आज अपना नया ट्रैक्टर खरीदा है। भालू आज उस ट्रैक्टर में बैठकर कहीं पे घूमने जा रहा है। दोस्तों, टॉय स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। भालू को रास्ते में एक टाइगर और एक हाथी मिले। टाइगर ने कहा कि हमें अपने ट्रैक्टर में बिठा लो, हमें बहुत दूर जाना है, हम चलते चलते थक गए हैं। भालू ने कहा, किसी की मदद करना ये तो बहुत अच्छी बात होती है, चलो मेरे ट्रैक्टर में बैठ जाओ। एलिफेंट और टाइगर दोनों ट्रैक्टर में बैठ गए और भालू ने ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अरे ये क्या, आगे तो रास्ता बंद है। रास्ते में कुछ लकड़ियां बिखरी पड़ी है, उसकी वजह से रास्ता बंद है। देखो, आप देख सकते हो कि रास्ता लकड़ियों की वजह से बंद है, लकड़ियों को हटाना पड़ेगा तभी वो लोग आगे जा सकते हैं। हाथी धीरे से नीचे उतरा और वो धीरे धीरे लकड़ियों की ओर आगे बढ़ने लगा। हाथी ने धीरे धीरे लकड़ियों को हटाना शुरू कर दिया। हाथी सभी लकड़ियों को एक और एक करके धीरे धीरे हटा रहा था। हाथी बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। धीरे धीरे रास्ता साफ हो रहा है। जैसे रास्ते से सभी लकड़ियां हट जाएगी, वो लोग वापस अपने घर जा सकेंगे। दोस्तों, हाथी ने सभी लकड़ियां हटा दी है। अब रास्ता एकदम साफ हो गया है। अब ट्रैक्टर आगे जा सकता है। हाथी अब ट्रैक्टर में बैठने के लिए जा रहा है। हाथी ट्रैक्टर में बैठ गया है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई मुसीबत में दिखे तो हमें उसे मदद करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी टॉय स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।